तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नट जोन में। मैं योगेश शर्मा, मैं हूं दोस्तों इस टाइम करोल बाग में सोम ओंकार एक्सरीज के पास। और बैकग्राउंड में यानी पीछे आप देखोगे तो खड़ी है मेरे टोयोटा इनोवा हाईकॉस का ZX ऑप्शनल वेरिएंट। इस गाड़ी से यानी इस वेरिएंट से ऊपर इस गाड़ी में कोई वेरिएंट नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों दिस वेरिएंट इज ऑलरेडी टॉप मॉडल। तो टॉप वेरिएंट है, रिक्वायरमेंट वाली जो एक्सरीज है आज इस गाड़ी में इंस्टॉल होने के लिए करोल बाग में आई है। करोल बाग में भी सोम ओंकार एक्सरीज के पास, जो कि इस टाइम करोल बाग में जो हाई क्रॉस का जो जिम्मा है इन्होंने उठा रखा है, यानी जितनी भी हाई क्रॉस में आफ्टर मार्केट जो एक्सरीज इंस्टॉल होती हैं वो करोल बाग में इन्हीं की दुकान पर आती हैं। चलिए दोस्तों, इस शॉप को जो ओन करते हैं मोनू भैया, उन्हीं से बात करा देता हूँ आपकी। हाँ जी मोनू भैया, कैसे हो? नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज फिर से यहाँ पर ये बेस वेरिएंट खड़ा है साइड GX वेरिएंट जी, यहाँ पर उसका टॉप वेरिएंट यानी हाई क्रॉस का एक सबसे बेस और एक सबसे टॉप, नहीं बेस से थोड़ा ऊपर है। अच्छा, ऑप्शनल है, मतलब GXO है। हाँ। GXO, अच्छा ठीक है ठीक है। और ये है टॉप का सबसे ऊपर ZXO, ठीक है ना। तो ये गाड़ी तो ऑलरेडी फुल्ली लोडेड आती ही है। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा काम जो है हमारे लिए रह जाता है। हम काम को कर देते हैं। ZXO में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लाइट का, हेडलाइट जो चिप वाला होने के कारण जो है ना, इसमें रोशनी कम है हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, है ना। हाँ जी। तो इसलिए हम लोगों को लाइट चाहिए होता है, क्योंकि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो टैंक फुल और लाइट पूरा ब्राइटनेस वाला होना चाहिए, तो बड़ा मजा आता है। हाँ जी। है ना, तो ये सब देखते हुए इसमें हम लगा देते हैं प्रोजेक्टर फोग लाइट। ये देखिए क्या बात, थ्रो काफी बढ़िया है। ये कितने वाट में? ये 90 वाट का, और ये वारंटी रहने वाला है। अच्छा, वारंटी है। और ये ब्लास्टर के साथ फिटिंग होता है। ब्लास्टर के साथ है? बिल्कुल, और प्रॉपर नक्का टू नक्का फिटिंग होता है, कहीं से भी कोई वायरिंग का कटिंग नहीं होता है, और कोई भी बैटरी पे लोडेड जो है नहीं पड़ता। अच्छा, बैटरी पे लोड नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये ग्रिल क्रोम जो है ये लगा दिए गए हैं। अच्छा, ये ग्रिल क्रोम लगा दिए जी। यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रंट रन लगा दिए गए हैं, और ये टेप लगा दिए हैं। अच्छा, फ्रंट रन लगा दिया, वो भी टेप लगा के? बिल्कुल, क्योंकि सिलिकॉन से लगाते हैं ना जी, तो सिलिकॉन सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए टेप लगा देते, तभी गिरेगा नहीं। डबल टेप पे इसको नहीं रोकते, क्योंकि डबल टेप पे नहीं रुक पाएंगे, कुछ टाइम होने के बाद गिर जाती है, इसलिए सिलिकॉन लगा के डबल टेप लगा के प्रॉपर तरीके से इसे फिटिंग जो है कर देते हैं इस इनोवा हाईकॉस जी। आपको ये कलर ज़्यादा पसंद है या ये कलर ज़्यादा पसंद है, ईमानदारी से बोलना। देखो, एक तो ये है कि ये थोड़ा सा लाइट कलर यानी व्हाइट है, ये डार्क है। अगर हम मेंटेनेंस के हिसाब से लें तो ये ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है, इसे साफ सफाई ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, टोयोटा के बुकलेट पे भी ये कलर जो है उन्होंने प्रिंट करके ये कलर डाला हुआ है, लेकिन मेरा तो पर्सनली आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको ये पर्ल वाइट काफ़ी बेहतरीन लगता है? ओके, चलिए, ये तो चलो कलर का है, हम पता नहीं किस मुद्दे पे बात करने लगते हैं, लेकिन फिर भी जैसे इस गाड़ी में डैम्पिंग हुआ है, जैसे इसमें डैम्पिंग अभी नहीं हुआ है लेकिन इसमें हुआ है। अच्छा, इसमें डैम्पिंग हुई है। और इसमें ट्रिपल लेयर वाला जो है टेस्ला ब्रांड का, जो मैं हर गाड़ी में करता हूँ, इनोवा हाईक्रॉस हर कार में मैं वही ब्रांड वाला डैम्पिंग करता हूँ, वो डैम्पिंग जो है इसमें दोनों साइड हुए हैं। दोनों साइड है, इस साइड अपर लेयर दोनों साइड इसमें डैम्पिंग हुआ है। इसमें लगा दिए गए हैं फुटरेस्ट। चढ़ के दिखाओ एक बार मोन भैया, आप चढ़ूं? हाँ जी। इसमें नहीं लगाया क्या फुटरेस्ट? आप मानोगे नहीं, इसमें नहीं लगाया फुटरेस्ट। इसमें फुटरेस्ट की नीड इन्हें नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो फुटरेस्ट चाहिए ही नहीं। क्या नहीं चाहिए? एक तो आपने गर्मी बहुत करवा रखी है, पर मौसम तो क्लियर है। ये देखो, ये फुटरेस्ट देखो हमारा, काफी बढ़िया फुटरेस्ट है। ये है 020 है, 020 फुटरेस्ट, और ये इतना बढ़िया फुटरेस्ट है ना, पूरे भारत में लोगों को ये जो फुटरेस्ट है बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं कुछ भी करता हूँ ना, मैं खुद ही जाके पिक करता हूँ, चीज़ को देखता हूँ, समझता हूँ, फिर वो लाता हूँ, फिर उसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये फुटरेस्ट कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, बहुत पसीना से आप गीले हो गए हो, लेकिन मेरे साथ भी आप मतलब मेहनत कर रहे हो, है ना। अरे मेहनत, बहुत मेहनत कर रहे हो। मेहनत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। आइए साइड से मैं बात करूँ इसमें। हाँ जी। तो पर बैक साइड से दिखाऊँ आपको, रियर में भी कुछ किया? रियर में भी हुआ है। चलिए गाइस, अब रियर और मैं आपको दिखाता हूं। ये बैक रन हो गया है, जैसे ये सेंसर का जगह आप देख रहे हो। हाँ जी, ये बैक रन हो गया, ये रिफ्लेक्टर। अच्छा, ये हो गया रियर बैक रन, और ये सेंसर तो आते हैं टॉप वेरिएंट टॉप मॉडल में, और ये रिफ्लेक्टर्स आपने किए हैं। ये लगा दिए शैडो लाइट। अच्छा, शैडो लाइट भी लगा दी। ये देखो क्या लगाया हूं गाइस, ये देखिए। ओहो, ये तो कुछ आपके नया ले आए हैं। ये टोयोटा का है, लोगों के साथ है। अच्छा, यहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस का आपको पता है क्या मिल जाता है? वेलकम प्लेट मिल गया। वेलकम प्लेट मिल गया, ठीक है जी। तो हाँ जी मोनू भैया, इंटीरियर में आ चुके हैं। चलिए, बाहर तो आपने एक शैडो लाइट लगा दी है और वेलकम लाइट लगा दी है, वेलकम प्लेट लगा दी है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली स्टैम्प बना दिया आपने, क्योंकि उससे लुक्स काफ़ी इनहेंस हो रही हैं।
और नाइट इसमें में स्पीकर भी लगाया हूँ मोरल का। अच्छा जी, मोरल का है। आगे कंपोनेंट और पीछे कोएक्सल जो है इसमें फिटिंग किया गया। अच्छा, आगे कंपोनेंट्स किए गए हैं और पीछे कोएक्सल है। अच्छा अच्छा, और इसमें एम्बिएंट लाइट जो है ये फिटिंग किए गए। होता क्या है कि इस गाड़ी में जो एम्बिएंट लाइट है ना वो सिंगल कलर ही है, वही ज्यादा अच्छा लगता है। लोग क्या करते हैं हिडन वाला जो है यहाँ पे लगा देते हैं, वो मुझे इस गाड़ी के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता है। हाँ जी, नहीं समझी मेरी बात। बिल्कुल। अच्छा, नीचे बटन भी लगा दिए। हाँ, ये बटन लगा दिए, इससे कलर आप जो है चेंज कर सकते हैं। हाँ, आपको जो कलर प्रिय हो जिस कलर से आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा। हाँ जी, उस कलर में सेट करके इस लाइट को आप। अच्छा, ये नीचे भी आ जाती है। नीचे भी आ गाइस यहाँ दे। अच्छा, और इस बटन से हम चेंज कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ नीचे के साथ साथ जो बाहर है वो भी चेंज हो रही है। और ये ऐप के थ्रू भी कंट्रोल होता है। अच्छा, ऐप से भी कंट्रोल। आप अपने फोन के ऐप में जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। वहाँ लाइट लगाने का थोड़ा ये होता है कि पैर के नीचे जो है ना कुछ गिर जाए फिर रोशनी नहीं रहता और थोड़ा सा वातावरण जो है नहीं, एटमॉस्फेयर भी अच्छा सा हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें ये मैट जो है GFX का लाइफ लॉन्ग वाला ये फिटिंग कर। अच्छा, लाइफ लॉन्ग GFX का इंस्टॉल कर दिया। इसका पीछे का भी फिटिंग देखोगे तो पीछे का भी फिटिंग काफी बढ़िया आया। क्या बात। अच्छा, ये पीछे भी आ गए हैं गाइस, यहाँ से देख सकते हैं ये फुल जो है थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि काम चलता है तो थोड़ा बहुत पैर पे मिट्टी आ जाती है। आप बताओ मोनू भैया, अब हाई क्रॉस में आप ये रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें तो इंस्टॉल कर रहे हो, अब कुछ नया लेके आ रहे हो नहीं लेके आ रहे हो? नया लाता हूँ, नया देखो आने का बहुत चीज़ें आ रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे सूट नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें, मैं पहले देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर समझ में आता फिर लेके आता हूँ, है ना। जैसे इसका बीच में स्ट्रीम लाइट आया था मुझे ही पसंद नहीं आया था तो फिर हम उसे प्रमोट नहीं किए। अच्छा, मतलब जो आपको पसंद नहीं है वो लोगों तक नहीं पहुँचना होगा। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ पहले, वो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ले आऊँ सारी चीज़ें लगा दे रहा हूँ, इसे मजा नहीं आता। जो परफेक्ट लगे, जो लुक को इनहेंस करे, क्योंकि ये कार है उस लेवल की कार है। बिल्कुल। जिसे अगर हम ज्यादा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन देते हैं तो फिर अजीब टाइप का वो हो जाता है ना, लोग फिर अलग अलग कमेंट करेंगे, छपरी बोलेंगे, अलग अलग टाइप के लोग कमेंट करेंगे। कमेंट तो आ जाती है, थोड़ी सी वीडियो वायरल होती है। बिल्कुल, लोगों की अलग अलग अपनी राय देते हैं लोग, और सबका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोग हमारे प्रति बोलते हैं, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना सोच है, लेकिन मेरा तो प्रयास है कि काम को अच्छे से अच्छे करके देना, है ना। अंततः प्रयास होता है कि सारा काम होने पे ना ग्राहक सेटिस्फाइड हो जाए। हाँ जी, क्वालिटी अच्छा लगे, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ की कंप्लेन ना हो। बिल्कुल। बाकी इंसान है, थोड़ा बहुत कंप्लेन आता है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठ के जो है आपकी समस्या का समाधान जो है कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए, हमेशा एनीवे जब भी आपको टाइम मिले, कोई भी दिक्कत है आप हमें कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम। काम आपने कर दिया रिक्वायरमेंट वाला, टॉप वेरिएंट था, जो जो चीज़ें टोयोटा वाले नहीं दे पा रहे इस टॉप वेरिएंट में भी वो आप इंस्टॉल कर रहे हो, टॉप जो वेरिएंट है उन्होंने। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चाहे बेस वेरिएंट वाले व्यूअर्स हों, चाहे टॉप वाले हों, चाहे मिड वाले हों, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ऐसा अगर वो काम करवाना चाहने की इच्छा कर रही है उनकी, तो वो कहाँ पर आ सकते हैं करोल बाग में? मैं आपको बताऊँ, आप मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, सोनमोन कार एसेसरी शॉप नंबर 4849 गुरुद्वारा रोड करोल बाग न्यू दिल्ली, नियर बाई करोल बाग मेट्रो स्टेशन और होटल ब्लू। होटल ब्लू नियर आप ये व्हाइट एंड येलो में देख रहे हैं गाइस, ये होटल ब्लू में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक जो है महाराष्ट्र में ही काम करने वाला हूँ हाई क्रॉस का, क्योंकि 2 गाड़ी वहीं तैयार कर। अच्छा जी, फिर महाराष्ट्र में रहोगे? मैं नहीं, मेरे बच्चे जाएंगे वहाँ काम करने। अच्छा, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, तो 2 गाड़ी तो है कम्प्लीट करना, बाकी अगर किसी जो देख रहे हैं उनको अगर करवाना हो महाराष्ट्र में तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, इस टाइम करा सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 5 तक 6 तारीख 6 तक आपके जो टीम है वो वही रहने वाली है। 100% क्या हुआ था गाइस, अगर आप कहीं महाराष्ट्र, क्या होता है ना बात जब होता है ना, मैं पिघल सा जाता हूँ कि नहीं काम करवाना है, करो, मैं इतना दूर नहीं आ सकता। ठीक है, आप नहीं आ सकते पर मैं तो आ सकता हूँ। हाँ। फिर मैं ही चला जाता हूँ। कॉन्टेक्ट डिटेल और दो जिससे आपको खड़े उतरने में थोड़ी सी आसानी हो। आप हमें बहुत तीखे तीखे सवाल नहीं कर देते हो। जरूरी है। ठीक है, आपको मैं अपना नंबर बता दूँ, 9911-766-9585 में नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9911-766-9585 कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, मैं 100% आपको रिस्पॉन्स जो है 100% क्या, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगी। बिल्कुल, और आपने जो बताया मैंने अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दिया है जी। और अब हमारे व्यूअर्स की जिम्मेदारी है वो आपको क्या आउटपुट देते हैं, वैसे तो आउटपुट दिख ही रहा है, क्या कितना प्यार मिल रहा है। यहाँ एक उस पेड़ के नीचे एक सामने है ये जिमनी भी, अब तो जिमनी के भी स्पेशलिस्ट कैसे बनते जा रहे हो, क्या बात है, बस आप लोगों का प्यार है जी।
हाई राइडर में भी अपना ही काम हो रहा है। अच्छा हाई राइडर है, क्या बात है। टोयोटा का जो हाई राइडर है ना, हाँ जी हाँ जी, इसमें भी अपना ही काम। चलिए मोनू भैया, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बहुत है, हमारे व्यूअर्स शायद बोर तो नहीं होंगे, हमारी बातें कोई वैसी नहीं होती। चलिए आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट हाई क्रॉस के साथ। तो भाई सारी चीज़ों के बारे में जो मोनू भैया उन्होंने बता दिया, जो काम था वो आपने देख लिया, टॉप वेरियंट में क्या से क्या हो चुका है, रिक्वायरमेंट वाली चीज़ आज इस गाड़ी में स्टोर की है, जो कि टोयोटा मिस कर रही है अपने टॉप वेरियंट में, पर करोल वाक के लिए बच जाता है। करोल वाक के लिए दोस्तों कोई सा वेरियंट हो, टॉप हो, बेस हो, एक्सेसरीज है हर टाइम अवेलेबल रहेंगी। सोमन कार एक्सेसरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ आपको समझ आएंगी, पसंद आएंगी। अगर आपको दोस्तों ऐसा कुछ भी अपनी गाड़ी में प्लान कर रहा है इंस्टॉल कराने का, तो आप बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इधर आज वीडियो मिलता है इस तरह इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।